हेलो क्लास सेवेंथ, आज हम लोग करेंगे चैप्टर टू न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। तो देखिए, इसमें हम लोगों ने किया था प्रतिहाराज के बारे में, इसके बाद पालाज के बारे में किया था, राष्ट्रकूटाज के बारे में किया था, राष्ट्रकूट बोलते हैं जिन्हें हिंदी में। इसके अलावा ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज भी हम पढ़ चुके थे कि कन्नौज के लिए कितने लोग हमेशा लड़ते रहे और कितने लोगों को ये चाहिए था। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे वहाँ की सोसाइटी के बारे में, कि जो वहाँ की उस समय की सोसाइटी थी वो कैसी हुआ करती थी, किस टाइप की वहाँ पर जो सोशल था वो सर्कल कैसा था, सोशल सर्कल उस समय कैसा हुआ करता था। द सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम। तो देखो, वहाँ की जो सोसाइटी थी वो एक्चुअली कास्ट सिस्टम पर बेस्ड थी, जो सब लोग थे वो कास्ट सिस्टम को मानते थे। द क्षत्रियाज अलॉन्ग विद द ब्राह्मण्स इंजॉयड द हाइएस्ट पोजिशन इन सोसाइटी। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सोसाइटी उस समय किसकी मानी जाती थी, एक तो क्षत्रियों की मानी जाती थी और दूसरा ब्राह्मणों की मानी जाती थी, राइट? तो इनकी जो पोजीशन थी वो हाई मानी जाती थी। द क्षत्रियाज वर अ वॉरियर क्लास दैट रूल्ड ओवर द किंगडम। जो क्षत्रिय होते थे वो एक्चुअली लड़ने वाले लोग होते थे। लड़ने वाले मतलब एक दूसरे से लड़ने वाले नहीं, मतलब जो वॉर में लड़ते थे, जो युद्ध होते थे तो उसमें जो लोग लड़ते थे उनको क्षत्रिय बोला जाता था। The Brahmins performed the duties of the priests and also gave advice to the king. जबकि जो ये ब्राह्मण थे वो प्रीस्ट यानी कि पुरोहित हुआ करते थे उस समय पर, और राजा को एडवाइस दिया करते थे कि किस समय पे क्या काम होना चाहिए। आपने देखा होगा इवन कोई जो पुराने टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं ना उस समय के राजा महाराजाओं के टाइम के, तो आप देखिएगा उसमें वो एक पूरे जो दरबार होता है, उनका जो कोर्ट होता है, उसमें एक प्रीस्ट जरूर आपको देखने को मिलेंगे। द वैश्यस कंप्राइज द ट्रेडर्स एंड मर्चेंट। जो वैश्यस होते थे उनके जो काम होता था वो होता था ट्रेडिंग करना, यानी कि व्यापार करना। तो जो लोग व्यापार करते थे उन्हें क्या बोलते थे, वैश्यस बोला करते थे। द शूद्रस परफॉर्म्ड ऑल मेनियल जॉब्स एंड हैड नो राइट्स एज सच। और जो सबसे नीचे लोग रह जाते थे वो उस समय के शूद्राज रह जाते थे, जिन्हें बाकी के बचे हुए काम करने होते थे, और सबसे बड़ी बात उनके कोई अधिकार नहीं होते थे, उनका कोई राइट नहीं होता था। अल-बरूनी मेंशन्ड दिस रिजिड कास्ट सिस्टम इन हिज तहकीक हिंद। अल-बरूनी आल्सो मेक्स अ मेंशन ऑफ अ न्यू ग्रुप दैट इमर्ज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, काइस्ट हु परफॉर्म्ड क्लरिकल वर्क एंड वर मोस्टली बुक कीपर्स। तो जो अल-बरूनी थे जिन्होंने अपनी किताब लिखी थी तहकीक हिंद, तो जो अल-बरूनी जिन्होंने अपनी किताब थी तहकीक हिंद में उन्होंने इस बारे में बहुत लिखा था कि उस समय का जो कास्ट सिस्टम होता था वो कितना रिजिड होता था, कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हुआ करते थे। और उस समय पर जब अल-बरूनी इस किताब को लिख रहे थे तो एक नई कास्ट आ रही थी एग्जिस्टेंस में, और जो नई कास्ट थी, जो नया ग्रुप था वो थे काइस्ट से थे, जो क्लेरिकल वर्क किया करते थे, यानी कि जितना भी लिखा पढ़ी का काम होता था, बुक्स का काम होता था, ये वो लोग करते थे। द पोजिशन ऑफ विमेन डिक्लाइंड। और उसमें सबसे ज़्यादा इस समय पे जो सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ हो रही थी वो ये हो रही थी कि जो औरतों की पोजिशन थी वो नीचे आती जा रही थी, यानी लोग जो विमेन के अधिकार थे उनको लिया जा रहा था, उनको छीना जा रहा था। सती एंड चाइल्ड मैरिज वर्ड प्रैक्टाइज। सती और चाइल्ड मैरिज जैसी उस समय पे प्रथाएं चल रही थी। अब हम बात करेंगे इकोनॉमी की। द टू मेन ऑक्यूपेशंस वर एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। तो देखो, उस समय पे इंडस्ट्रीज नहीं थी, फैक्ट्रीज नहीं थी, नॉर्मल ट्रेड हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं थे, तो एग्रीकल्चर और ट्रेड ये दो ऑक्यूपेशंस उस समय रहा करते थे। द रीजनल किंगडम्स ऑफ दिस पीरियड had trade contacts with Southeast Asia, China, the Mediterranean and Western world. तो उस समय के जो व्यापार हुआ करते थे वो कहाँ तक हुआ करते थे, Western world से थे, Southeast Asia से थे। The main items of trade included spices, precious stones and textile. तो उस समय में सबसे ज़्यादा ट्रेड किसका हुआ करता था, spices। देखो, हमारे देश में सबसे अच्छे मसाले मिलते हैं, सबसे वैरायटी के मसाले मिलते हैं, तो स्पाइसेस हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ करते थे, उन पर ट्रेड हुआ करता था। इसके अलावा प्रीशियस स्टोन्स, जो कीमती पत्थर होते हैं, उनका भी हुआ करता था। हॉर्सेज वर रेगुलरली इम्पोर्टेड टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट।
ट्रेड गिल्ड्स और श्रेणीज वर एस्टैब्लिश्ड टू रेगुलेट ट्रेड. द श्रेणीज और मेंबर ऑफ द ट्रेड गिल्ड हेल्ड एन इम्पॉर्टेंट पोजिशन इन द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल. तो ये जितने भी ट्रेड होते थे उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए श्रेणीज को रखा जाता था. नाउ टर्किश इन्वेशन. अब भाई तुर्की के लोग भी यहाँ पर आए थे, टर्किश लोग यहाँ पर आए थे, तो देखते हैं कि किस तरीके से वो लोग यहाँ पर आए थे. आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन देयर वाज अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट. तो जब जिस समय हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, उस जिस समय हर्षवर्धन मरे, उस समय पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी. यानी कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है. बहुत ज़्यादा कहते हैं ना उखाड़ पछड़ की स्थिति थी, जिसमें लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कौन राजा बनेगा, किसके हाथ में कंट्रोल जाएगा, क्या होगा. अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम्स डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस. उसमें भी क्या हो रहा था कि जो छोटे छोटे किंगडम्स थे वो आज़ाद होने लगे थे. जैसे जो छोटे छोटे किंगडम्स थे जो बड़े किंगडम्स के संग जुड़े हुए थे, अब वो खुद को धीरे धीरे आज़ाद करने लगे थे. द टर्क्स स्टार्टेड शोइंग इंटरेस्ट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट अराउंड 11th सेंचुरी 1027 CE. तो जो तुर्की के लोग थे उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया. उन्होंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा मौका है कि इनके बीच में पॉलिटिकल अनरेस्ट है, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए और अपनी पोजीशन यहाँ पर बना ली जाए. महमूद ऑफ गजनी हैड हर्ड अबाउट इंडियाज वेल्थ एंड देयरफॉर डिसाइडेड टू इन्वेड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. और उस समय पे महमूद ऑफ गजनी ने, ठीक है, महमूद ऑफ गजनी ने हमारे इंडिया के बारे में सुना कि हमारे पास कितनी दौलत है, हमारी इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है. उन्होंने इस बात को उन्हें बहुत अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, जिसकी वजह से वो इंडिया पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए. बिटवीन 1001 CE एंड 1027 CE महमूद रेडेड इंडिया 17 टाइम्स. सोचो 17 बार उसने यहाँ पर हमला किया और लूटपाट की. 17 बार, समझ सकते हैं ना आप लोग, 17 बार यहाँ पर आके लूटपाट की. ही कॉन्कर्ड मुल्तान, पेशावर, कांगड़ा, थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा, ग्वालियर, सोमनाथ, कश्मीर एंड पंजाब. इन सब जगह पे उसने लूटपाट की, यहाँ पर हमले किए. महमूद डिड नॉट वॉन्ट टू रूल ओवर इंडिया एज हिज इंटरेस्ट ले इन द वेल्थ ऑफ इंडिया. देखो इंडिया पर राज करने का उसका कोई इरादा नहीं था. उसको ये नहीं था कि उसे इंडिया पर राज करना है. उसे सिर्फ इंडिया की दौलत चाहिए थी. उसे सिर्फ लूटपाट करने से मतलब था. इसके अलावा उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो यहाँ पर राज करे. ही इज़ नोन टू हैव डेकोरेटेड हिज ओन पैलेस, मॉस्क एंड अदर बिल्डिंग्स विद द लूट ही गॉट फ्रॉम इंडिया. वो सिर्फ अपने जो मॉस्क थे, अपना जो किला था, अपना पैलेस था, सिर्फ उसे सजाना चाहता था. वो चाहता था कि मैं इंडिया से ज़्यादा दौलत लूट लाऊं और उसको अपने पैलेस में सजा लूं. मैनी स्कॉलर्स हु वर अ पार्ट ऑफ महमूद्स कोर्ट रोट अबाउट इंडिया. अल-बिरूनी रोट अबाउट इंडियन पीपल इन हिज बुक तहकी-ए-हिंद, व्हाइल फिरदौसी रोट सहानमा विच वॉज महमूद ऑफ गजनीज बायोग्राफी. तो देखो इन चीज़ों के बारे में, इन दोनों किताबों में बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा कि उस समय पे कैसे लूटपाट हुई. ये जो महमूद ऑफ गजनी था, ये क्या 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 हमारे यहाँ से लूट के ले गया. तो अल-बिरूनी ने बहुत अच्छे से इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है. महमूद सक्सेसर्स शोड नो इंटरेस्ट इन इंडिया. इवन महमूद ने तो इंटरेस्ट नहीं दिखाया इंडिया में. इसके अलावा जो उसके आगे आने वाले जो वंशज थे, उन्होंने भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया. उसके बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, मतलब उसके जितने भी सक्सेसर्स रहे या जितने भी लोग उसकी गद्दी पर बैठे, किसी को भी इंडिया को रूल करने में इंटरेस्ट नहीं था. हाउएवर द अटैक्स ऑफ महमूद ऑफ गजनी पेव्ड वे फॉर फ्यूचर इन्वेशंस. पर हाँ, महमूद ऑफ गजनी ने जितनी बार भी यहाँ पर हमले किए, उसकी वजह से आगे आने वाले लोगों के लिए रास्ते खुल गए इंडिया पर और हमले करने के लिए. इन 1150 CE द गजनवीद एम्पायर वॉज कैप्चर्ड बाय द गोरिड्स हु बिलोंग टू घोर विच इज़ अ पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे अफगानिस्तान. तो इन पर किसने हमला कर दिया? देखो हर किसी का अंत तो होता है. तो जो गजनी का एम्पायर था, ये महमूद ऑफ गजनी जो था, इसका जो एम्पायर था, देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा था ना महमूद ऑफ गजनी के बारे में. देखिए 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 देखिए, नहीं इसमें दिखाई दे रहा. देखिए टर्क्स, महमूद ऑफ गजनी, ये देखिए महमूद ऑफ गजनी.
तो जो महमूद ऑफ गजनी था इसके जो इस पे इंटरेस्ट किसने दिखाया, घोर्स ने दिखाया। घोर्स यानी कि ये एक दूसरी कम्युनिटी थी जिन्होंने इसका पतन कर दिया, पतन मतलब इसको कंट्रोल में कर लिया। By 1187 CE, Lahore, the last stronghold of the Ghaznavids, was conquered by Mahmud Ghori. Unlike Mahmud Ghazni, Mahmud Ghori wanted to rule over India. तो महमूद गजनी के बाद कौन आया? गौरी। गौरी ने इंटरेस्ट दिखाया इंडिया पर कंट्रोल करने के लिए, रूल करने के लिए। देखो महमूद ऑफ गजनी को कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसको सिर्फ लूटपाट करनी थी, उसको पैसा लेना था और अपने वापस चले जाना था। पर जो गौरी था उसको यहाँ पर रूल करना था। उसने कहा नहीं भाई, इंडिया को तो मैं अपने कंट्रोल में लेके रहूँगा। पृथ्वीराज चौहान मिलिट्री अचीवमेंट्स इंक्लूड ब्रिंगिंग महोबा बुंदेलखंड एंड गुजरात अंडर द चहमंस। पृथ्वीराज चौहान मिलिट्री सक्सेस हैज़ बीन मेंशन्ड इन पृथ्वीराज राजो रिटन बाय हिज कोर्ट पोएट चंद्रपदे। तो देखो उस समय पे जो फेमस राजा थे, उस समय के जो रूलर थे वो थे पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान ने काफ़ी कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया था, जैसे कि बुंदेलखंड, गुजरात, ये सब कुछ उन्होंने कैप्चर किया हुआ था। और उनकी महान गाथा हमें देखने को मिल सकती है पृथ्वीराज रासो, ठीक है, पृथ्वीराज रासो में हमें देखने को मिल सकती है। महमूद गौरी फॉट द टू बैटल्स ऑफ तराइन अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो बैटल ऑफ तराइन है यानी तराइन का युद्ध है, ये किसके बीच में हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान डाइड इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। देखो पहले बैटल में तो पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को यहाँ से भगा दिया, पर जब गौरी दोबारा तैयारी करके वापस आया तो पृथ्वीराज चौहान उसका सामना नहीं कर पाए, और जिसकी वजह से उनकी सेकेंड बैटल ऑफ तराइन यानी तराइन के दूसरे युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। चौहान्स डेथ। महमूद गौरी लेड द फाउंडेशन ऑफ द टर्किश रूल इन इंडिया। और यहीं से शुरुआत होती है जब मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर टर्किश रूल की शुरुआत कर दी। आफ्टर एस्टैब्लिशिंग द टर्किश एम्पायर इन इंडिया, मोहम्मद गौरी डिसाइडेड टू लीव इंडिया एंड लेफ्ट द कॉन्कर्ड टेरिटरी इन द कैपेबल हैंड ऑफ हिज स्लेव्स। तो जो तो हम पढ़ रहे थे मोहम्मद